नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन। मैं हूं आपके साथ कनिका। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के करौली की, जहां पर एसपी ने बालाघाट और श्री महावीर जी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। एसपी ने थाने का रिकॉर्ड जांच कर पुलिस कर्मियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए, साथ ही पुराने मुकदमों का जल्द ही निस्तारण करने की बात कही। मैडम, आपके करौली पुलिस अधीक्षक कार्यभार संभालने के बाद जो नशे के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लोगों की अपेक्षा है कि वो लगातार जारी रहेगी, और आगे आप इस पर क्या कार्रवाई कर रही हो? अभी आने वाले समय में हम लोगों ने प्लानिंग की है कुछ, कि न केवल स्मैक बल्कि अन्य प्रकार के भी जो नशे हैं उनके विरुद्ध व्यापक अभियान चलाएं, और जो ड्रग पैडलर्स हैं, हमारा विशेष ध्यान उन लोगों पर है कि हम लोग उनको अपने इलाके से बाहर कर दें, और अगर हमारे पकड़ में आते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ है, अदरवाइज हम अभियान की इतनी निरंतरता बनाए रखें कि वो लोग जगह छोड़कर यहाँ से चले जाएं। बाकी आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी हैं, होली भी है, और करौली ज़िले में जैसे महावीर जी का मेला भी आ रहा है, बालाजी का मेला भी आ रहा है, कैला देवी जी का भी मेला आ रहा है, तो इन सबको देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था और वारदातें ना हों और शांतिपूर्ण तरीके से ये सभी आयोजन हो जाएं, इसके लिए हम लोग विशेष तैयारियों में जुटे हुए हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 40 कमर्शियल दुकानदारों को एनएचआई ने नोटिस थमाया है। इसको लेकर अंबेडकर मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और वहां रह रहे लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन के आदेश का खुलकर विरोध किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सड़क को 4 लेन बनाने के लिए सरकार को जितनी जगह चाहिए उतनी सड़क की दूसरी साइड हुड्डा की जमीन पर पड़ी है, उसे छोड़कर सरकार पिछले 30 साल से जमी जमाई पुरानी दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चलाने को तुली हुई है। मेरा नाम युद्धवीर सिंह है और मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ अंबेडकर एसोसिएशन का, मार्केट का। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा ये है, इस सरकार ने हमें नोटिफिकेशन दिया है कि ये जगह एक्वायर करी जाएगी सड़क के लिए, सड़क बढ़ाने के लिए, लेकिन इसमें इतने मकान प्रभावित होंगे जिससे हमारा दाल रोटी यहीं से चल रही है और हमारा बहुत नुकसान होगा। इसके बदले में हमें कोई जगह दी जाए और ठीक तरह से मुआवजा दिया जाए ताकि हम अपने बाल बच्चों को अच्छी तरह से पाल सकें। क्या ये वैध नहीं है जो सरकार ने नोटिस दिया है? किसने क्यों दिया है, क्या मकसद है उसके पीछे? सरकार ने नोटिस सड़क बनाने के लिए दिया है, मेट्रो स्टेशन के लिए दिया है। ये जमीन आपको कहीं और देने की बात करी सरकार? नहीं, अभी कोई बात नहीं, बस मुआवजे की भी कोई बात नहीं है, अभी तो फिलहाल जगह एक्वायर करी है इन्होंने। कौन से विभाग का नोटिस आपके पास आया? ये हमारे पास गडकरी जी ने भेजा है, सड़क परिवहन मंत्री जी का गजट कराया, 13 केंद्र से आया है, 13 तारीख को पब्लिश हुआ है, 5 तारीख का नोटिफिकेशन है। कितने दुकान है यहाँ पर, कितने प्रभावित होंगे? यहाँ 40 के करीब दुकानें हैं जो ऑफिस है, दुकानें हैं। क्या आपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी? हाँ, डीआरओ साहब इंचार्ज हैं, उनके पास गए थे तो उन्होंने कहा है कि अभी हमारे सर्वे होगी, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि कितनी जगह ली जाए कितनी जगह नहीं ली जाए। हमने उनसे एक ही रिक्वेस्ट करी है कि हमें इसके बदले में जगह दी जाए, दुकान के बदले, हाँ, ताकि हमारा परिवार अच्छी तरह से पाल पोस सके। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा है कि अभी सरकार देखेगी, इसके बाद ही कोई फैसला होगा। कब तक का समय दिया? 90 डेज का। और एक बार परिचय दे दो। मैं, जैसे कि आप जानते हो, एक राज चौहान खांडसा से बिलोंग करता हूँ, और काफ़ी हमारे जो नोटिफिकेशन हुए हैं उसमें हमारे ही प्लॉट हैं, अंकल हैं हमारे, ये भाई हैं, साथ में इनके ही मकान हैं। तो ये 4 लेन के लिए और मेट्रो के लिए जो प्लानिंग के लिए नोटिफिकेशन हुआ है वो मेरे ख्याल से विदाउट सर्वे हुआ है, तो उसके लिए हम अपनी अपील दायर करना चाह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और जो स्टेट गवर्नमेंट है कि प्रॉपर सर्वे किया जाए। हम इस चीज़ से नहीं कह रहे कि पब्लिक की बेनिफिशियल के लिए जो मेट्रो आ रही है, रोड चौड़ा हो रहा है, उसके लिए हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, बट प्रॉपर सर्वे करें कि 10 फीट जाएगी 20 फीट जाएगी। आपने 200-300 मीटर तक अंदर तक का नोटिस दे दिया, उसमें काफ़ी कॉमर्शियल और मकान भी डैमेज हो रहे हैं, तो ये चीज़ है। और सामने हुड्डा की लैंड पड़ी हुई है तो इसमें भी आप कर सकते हैं प्रॉपरली। और जो बात रही मेट्रो स्टेशन बनाने की, मेट्रो स्टेशन कोई ज़रूरी नहीं यहीं पे बनना है, मेट्रो स्टेशन आगे हुड्डा की ज़मीन स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे बना सकते हैं, एलिवेटेड कर सकते हैं। अगर जो भी 10-20 फीट जो जगह लेनी है तो उसका प्रॉपर मुआवजा दिया जाए हमें, और जो कॉमर्शियल लैंड है कॉमर्शियल की जगह दी जाए।
तो इतनी हमारी एजिटेशन है और इतनी आपसे रिक्वेस्ट है, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, गवर्नमेंट से बाहर नहीं है, पब्लिक यूटिलिटी के लिए ले रही है, वो चीज़ करें लेकिन एक जायज तरीके से प्रॉपर सर्वे कराया जाए।